हमको अधिकारी से कुछ लेना नहीं है। अच्छा, अधिकारी का भी कम नहीं होना चाहिए। अच्छा। लेकिन हमारे में जो कमियां है वो कमियों को दूर करना चाहिए, यही हमारी निश्चित मांग है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय त्रिदल। कहाँ से आए हैं सर, और आज जो हजारों की संख्या में जो लोग आए हैं जंतर मंतर पे, क्या मांग है आपकी? मैं महाराष्ट्र त्रिदल सेवा संघ महाराष्ट्र राज्य सरचिटनीस, वो हमारे पूरे महाराष्ट्र के तरफ से आजी माजी सैनिक, इनके तरफ से ORP सेकंड जा कमियां हैं उसको दूर करने के लिए हमारी पूरी महाराष्ट्र टीम यह आई हुई है। उसमें से मधुकर सरुदे, रंगनाथराव खरात, गायकवाड़ साहेब, दिलकर थोटे साहेब, संदीप लगड़ साहेब, अन्य और माजी सैनिक उपस्थित है। और हमारी मांगे ये है कि ORP 2 में जो भी कमियां हैं वो सरकार ने दुरुस्त करके हमारे साथ न्याय करना चाहिए। लगातार ये मांग उठ रही है कि जो ये कमियां हैं, ये अधिकारियों को ज़्यादा पेंशन मिल रहा है और जवानों को कम मिल रहा है, या उसमें भेदभाव हो रहा है, उस विषय पे क्या कहेंगे आप? हमको अधिकारी से कुछ लेना नहीं है। अच्छा, अधिकारी का भी कम नहीं होना चाहिए। अच्छा। लेकिन हमारे में जो कमियां हैं वो कमियों को दूर करना चाहिए, यही हमारी निश्चित मांग है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय त्रिदल। सर आपका नाम क्या है? और मेरा नाम नायक आदर्श कुमार अरोड़ा, शौर्य चक्र, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और यहाँ आज उम्र है सर? मेरी इस वक्त 80 वर्ष है। आपने कौन कौन सा युद्ध में किसी में? मैंने 1962, 1965 और 1971 तीन भारत के साथ जो युद्ध, तो बहुत बड़ा सम्मान। हाँ, शौर्य चक्र मुझे 1971 के छम सेक्टर के युद्ध में मिला था। मैंने लगभग 50,000 जो बारूदी सुरंगें जो पाकिस्तान की लगाई थी, उनके इलाके में उनको निकालने का मुझे अवसर मिला था, जिससे हमारी इन्फेंट्री और आर्टिलरी को हमने बॉर्डर पार करा के। इतना आपने जीवन के अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके बाद भी आज आपको आंदोलन करना पड़ रहा है, कैसा लग रहा है? नहीं, आंदोलन नहीं है ये, आंदोलन ये सरकार का ध्यान अपनी मांगों की तरफ आकर्षित कराना चाहते हैं कि एक्चुअली है आपको सरकार से क्यों नहीं है? सरकार हमेशा फौज के साथ खड़ी है, पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और भविष्य में भी खड़ी रहेगी, और फौज भी सरकार के साथ खड़े होगा। अगर आज भी जरूरत सरकार को होगी तो हम बॉर्डर पे आज भी जाके युद्ध करने के लिए तैयार हैं। बॉर्डर पे आज भी युद्ध करने के लिए तैयार हैं। आप महाराष्ट्र से आए हैं, आप क्या मैसेज देंगे देश को? सबको एक समान मानना चाहिए। अच्छा। सबको एकजुट दिखाना चाहिए। अच्छा। बस यही हमारा कहना है। आप कहाँ से आए हैं? मैं बेगूसराय बिहार से आया हूँ। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ORP 2 में जो पार्सल्टी हुई है, भेदभाव हुआ है, जवान जैसियों की जो हकमारी हुई है, उसको दोबारा पुनर्विचार करके संशोधित किया जाए। अगर जो हमारा इक्वल MSP, जो PMR हमारे आए हैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, उनको इसमें छांट दिया गया है, उनको अगर शामिल नहीं किया जाता है, डिसेबल पेंशन बराबर नहीं किया जाता है, फैमिली पेंशन बराबर नहीं किया जाता वीरांगनाओं वीरनारियों का, तो हम सरकार के खिलाफ आंदोलन अभी यहाँ पे हैं, कल कहीं और पे होंगे, और आने वाले 2024 में जिस प्रकार 2019 में इनको सारा खौफ पे चढ़ा करके हमने यहाँ पहुँचाया है, हम 2024 में, चूंकि वोट बैंक जवान जैसियों के पास होता है, आप जानते हैं हमारे पास वोट बैंक है, हम ये पूर्ण मैसेज दे रहे हैं। आप भी कुछ पॉलिटिकल बात कहना चाहेंगे? पॉलिटिकल हमको मैसेज नहीं देना है कुछ भी, ये हमारे हक की बात हो रही है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं। ये जो धरना है ये प्योरली आपका सामाजिक धरना है, ये फौज का जो जवान जिस स्थिति से निकलता है वो ही जान सकता है उसकी मन स्थिति, जो वहाँ पर नौकरी कर चुका है और जिसने इस सिचुएशन को देखा है, चूंकि उनको ये अंदरूनी ये दुख है अंदर से कि सरकार को जो पूर्व सैनिकों को और JCO साहिबान को देना चाहिए वो चीज़ उनको वैसे नहीं मिली जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल हुआ था, और सरकार ने रेवाड़ी में प्रधानमंत्री जब वो नहीं बने थे मोदी जी, तब उन्होंने रेवाड़ी में ये घोषणा की थी कि आने वाले समय में अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो 1 रैंक 1 पेंशन जो है वो एक समान सबको देंगे, लेकिन अभी इसमें कुछ क्लोज डाली है
जिसमें जैसे JCO ऑनरेरी रैंक्स नहीं है, सूबेदार साहब का रैंक नहीं है और प्रीमेच्योर का एक क्लोज डाल दिया गया, वो जो है स्वीकार नहीं है। इसी चीज़ को लेके भूतपूर्व सैनिक इस चीज़ पर आए हैं। वो सरकार का ध्यान जो आदमी महंगाई है, महंगाई सब तो बराबर है मार्केट में, ये नहीं कि अफसर की अलग है, JCO के अलग है और सिपाही के अलग है। तो जो आदमी जो 17 में पेंशन आया उसमें बेसिक कुछ और दी था, आज तो पेंशन बढ़ना चाहिए ना फिर, लेकिन आज के रेट में और 2000 रुपये कम हो गया है फिर। आज के रेट में हमारा पेंशन तो कम हो गया है फिर, लेकिन महंगाई आसमान छू रही है, तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है? जो गवर्नमेंट के साथ में ऑफिसर कमेटी बैठी है, ऑफिसर तो सारे अपने फायदे ले लिए हैं फिर, ऑफिसर का पेमेंट हाई हो गया, पेंशन हाई हो गया, लेकिन जो नीचे वाले परेशान हो रहे हैं फिर। एक सेना के जवान एक धरने पर बैठे ये ऐसा नहीं देता है अभी, लेकिन गवर्नमेंट मजबूरी में उनको बैठा रही है अभी, ये बहुत ही दर्दनाक है भारत के लिए। ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक यू। ओके।